राजस्थान विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज फिर राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे में वह मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के गढ़ झालावाड़ में जनसभा करेंगे। इसके बाद वह कोटा तक रोड शो के अलावा हिसार में जनसभा भी करेंगे। राहुल गांधी विमान से झालावाड़ पहुंचेंगे और दोपहर करीब 12 बजे वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह झालावाड़ से कोटा तक का लगभग 100 किलोमीटर का रोड शो करेंगे और इस दौरान कोटा की अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा। कुछ जगह राहुल गांधी नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। राहुल गांधी आज रात कोटा में ही बिताएंगे, जिसके बाद गुरुवार को वह कोटा में महिला कांग्रेस के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह विमान से सीकर जाएंगे, जहां पार्टी की संकल्प महारैली को संबोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ जिले के झालरा पाटन सीट से विधायक है और उनके बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 लोकसभा सीट के सांसद। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दोनों ही जिलों की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा, झालावाड़ में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी के साथ मैंने 10 महीने पहले यहाँ किसान न्याय यात्रा निकाली थी। राहुल गांधी की यात्रा से यहाँ पार्टी और मजबूत होगी। पायलट ने कहा कि हाड़ौती के इलाके का किसान बदहाल है और राज्य में किसान आत्महत्या के लगभग आधे मामले इसी क्षेत्र में हैं। लोगों के मुख्यमंत्री व मौजूदा सरकार के प्रति भारी नाराजगी है।